Welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2, and today we are going to continue our class 12th History NCERT Chapter 4 Thinkers, Beliefs and Building. But before starting our chapter, let me tell you that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 student, in which I'll be teaching you subject history and political science within 2 months. यानी कि आप within 2 months में अपना syllabus इन subject का complete कर सकते हैं. There will be notes, study material, previous year paper, test and many more things for you guys. So in case you are interested, just let me know and description box में आपको जो है एक contact number मिलेगा, आप वहाँ पे मुझे text कर सकते हैं. It's a WhatsApp number, so calling is not available. Please first text, then we will figure it out. Let's get started with our today's video. The chapter that we are doing today into this is Thinkers, Beliefs and Building, and this is going to be part 3 of this chapter. अगर आपको बाकी 2 parts चाहिए हैं, तो आप playlist एक बार check कर दीजिए. हमने इसके पहले जो इस 2 parts के बारे में पढ़ा था कि क्यों बनवाए गए थे और कैसे बनवाए गए थे. Third हम देखने वाले हैं the structure of the stupa. So यहाँ पे आएगी आपकी एक image, ठीक है? तो like यहाँ पे डाल दूँगी, alright? So यहाँ पे आएगी आपकी image. इमेज को ध्यान से देखिए. सेमी सर्कुलर माउंट जो आपको इमेज में दिखेगा उसको बोलते हैं अंडा. ओके, उसके बाद उस अंडा के ऊपर से एक जा रही है हर्मिका. हर्मिका से एक और जो है अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला यू कैन से इज सराउंडेड बाय, और इसको बोलते हैं छतरी. फिर जो स्तूपा है उसके हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं, नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रेलिंग. तो जो चारों तरफ रेलिंग है, इस रेलिंग का कॉन्सेप्ट था कि उस माउंट को, उस सेक्रेट प्लेस को इस वर्ल्डली लाइट से अलग करना है, और जो सांसारिक दुनिया है ये जो चारों तरफ बाउंड्री है अंडा के चारों तरफ, वो रेलिंग अलग करती है सांसारिक दुनिया को. अर्ली स्तूपा वर प्लेन, पहले जो स्तूपा थे, मैंने बात की थी इलेबोरेशन बाद में हुआ था, फीचर्स बाद में आए थे. पहले जो स्तूपा थे वो काफी प्लेन थे, जैसे कि भरूच का हम बात करते हैं, दैट इज इन यूपी. वर्शिपर्स जो है वो सन का पाथ, लाइक दिस प्रॉपर प्रोसीजर. अंडा के और उस स्तूपा के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको क्लॉक वाइज जो है वो घूमना होगा, एंड इट एक्चुअली वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ सन. जिस तरीके से सूरज घूमता है उसी तरीके से, और यू कैन से क्लॉक वाइज आपको घूमते हुए फिर जो है एग्जिट करना है. तो आप एंटर करेंगे स्तूपा में, आप क्लॉक वाइज जो उसमें घूमेंगे, एंड देन यू विल एग्जिट. सो दिस प्रॉपर वे. स्तूपा वेंट मेनी चेंजेस. इनिशियली सिंपल हुआ करती थी, बाद में जो है मेजर डेवलपमेंट होते हैं, और इनमें शामिल है अमरावती एंड शाहजी की ढेरी. यानी कि एक सिंपल माउंट है, एक सिंपल सेक्रेट प्लेस इनको बनवा दिया, लेकिन बाद में जो रूलर्स आए, बाद में जो लोग हैं, उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए. तो उसके एग्जाम्पल में आप अमरावती शाहजी की ढेरी लिख सकते हो. एट वन इज गोइंग टू बी डिस्कवरिंग स्तूपा, द फैक्ट ऑफ अमरावती एंड सांची. ओके, सो सांची के साथ जो हुआ वो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ लिया कि भाई सांची स्तूपा जो आज मौजूद है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, वो ऑलमोस्ट यू कैन से बर्बाद होने वाली थी अगर उधर के जो रूलर्स थी वो वाइस डिसीजन नहीं लेते. लेकिन जो अमरावती है, अमरावती विच इज इन आंध्र प्रदेश, ओके, इट्स अ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, बट अब ऐसा हो नहीं पाया अमरावती के केस में. अमरावती के केस में हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि एक राजा था, ठीक है, एक लोकल राजा था. लोकल राजा को बनवाना था अपना महल, और ये ऐसे विजिट करता है, उसको पता चला कि यार एक जगह खंडर है, उस खंडर में खजाना, भाई इसने सारा खंडर खोल बोल दिया, और जो भी इम्पोर्टेंट पत्थर है और मिलते हैं, क्योंकि वो तो खंडर था, टूट चुकी थी वो सारी की सारी जो स्तूपा थी वो, तो उसमें से वो सारे पत्थर और ज्यादातर पत्थर जो है उठा के ले जाता है. सो दिस एक्चुअली इंसिडेंट ऑफ प्लेस इन 1796. इनके बाद आते हैं वॉल्टर एलियट. ओके, तो ये था एक इंग्लिश मैन, वॉल्टर एलियट. वॉल्टर एलियट ने जो है वो वेस्टर्न गेटवे अमरावती स्तूपा का डिस्कवर किया था, उस गेटवे को ये अपने साथ ले गए यूरोप, ठीक है. तो यहाँ पे भी कोई ऐसा रोकने वाला नहीं था. ये तो वही बात हुई ना कि आज लाल किला का, मुझे लाल किला का पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तोड़ू उसको और ले जाऊं. कैन आई डू इट? कैन यू डू इट? नन ऑफ अस कैन डू इट. तो अगर, क्योंकि हमें रोकने के लिए, सांप को रोकने के लिए सरकार है, लोग है, समाज है, बहुत सारे. उस वक्त किसी को पता ही नहीं थी इसकी इम्पोर्टेंस की, भाई ये है क्या.
अब जब तक कॉलिन मैकिंजाई नहीं आता, कॉलिन मैकिंजाई एक्चुअली वाज वन ऑफ द कार्टोग्राफर जिसके बारे में हम सेवन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो कॉलिन मैकिंजाई आता है, उसने एक्सटेंसिवली जो है स्टडी की अग्रावती की एंड बताया कि भैया ये तो वो वाली स्तूपा है जो सबसे बड़ी स्तूपा है इंडिया में. सो लाइक देन पीपल गेट टू नो कि यार इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट स्टेटमेंट इज गिवन जिनका नाम है H.H. कोहले. H.H. कोहले ने कहा इफ इट इज एक्चुअली सुसाइडल फॉर एनी कंट्री जिसके यहाँ की राष्ट्रीय धरोहर को कुछ इस तरीके से बर्बाद कर दिया गया. बहुत सारे लोग आए एक्चुअली, बहुत सारे इंग्लिश में और बहुत सारे ब्रिटिश में लोग अच्छे भी थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई जिन्होंने बोला कि यार इसको प्रिजर्व एंड ऑल करो, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि पता ही नहीं था कि यार अमरावती है क्या और क्या इतनी इम्पोर्टेंट साइट है. देन वी सी स्कल्पचर्स. अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर जो हम स्तूपास की बात कर रहे हैं ना, तो अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स मुझे समझ में नहीं आया कि इनका मतलब क्या है. देखते हैं स्टोरीज इन स्तूपा. ओके, टीम्स वर्क फ्रॉम दिस आंतराज जाकर जो हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं उनमें अलग अलग तरह की वॉल्स में अलग अलग तरह की स्टोरीज डिपिक्ट की गई हैं. सो ये जो सीन है ना, एक्चुअली ये विसांथा जातक से लिए गए हैं और इसी विसांथा जातक में एक स्टोरी है और उस स्टोरी को पूरी तरीके से जो है वॉल पर डिपिक्ट भी किया गया है. एक राजा है, एक काइंड प्रिंस. ओके, एक काइंड प्रिंस है, उसने सब कुछ अपना दान में दे दिया, सब कुछ दान में दे दिया एंड वो अपने वाइफ एंड बच्चों के साथ जो है जंगल निकल जाता है. तो ये जो मैंने पूरी स्टोरी बनाई इसका पूरा का पूरा जो स्कल्पचर बना हुआ है वॉल्स में बना हुआ है एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ विसांथा जातक. देन दिस इज सिंबल ऑफ वर्शिप. एज आई टॉक्ड अबाउट इट, हमने चैप्टर टू पार्ट टू में डिस्कस किया था कि सिंबल्स जो है वर्शिप से रिलेटेड थे. तो जैसे कि बात करते हैं बुद्धा की प्रेजेंस को लेके कुछ सिंबल्स. एम्पटी सील जो है वो मेडिटेशन फॉर बुद्धा, ठीक है, वो दर्शाती है. स्तूपा जो है एक्चुअली वो महापरिनिब्बान दर्शाते हैं. व्हील जो है ये दर्शाता है कि पहली बार महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश दिया था. 9.3, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. 9.3, पॉपुलर ट्रेडिशंस. अब देखिए पॉपुलर ट्रेडिशंस, Not only the stories related to Buddhism actually depicted into those sculpture, also the stories which were not related to this tradition, उसमें depict थी. Like उस वक्त जो popular tradition थे, जैसे कि बात करते हैं, many sculptures inspired by other traditions, कई सारे ऐसे sculpture भी थे जो बाकी tradition से काफी ज्यादा inspired थे. The image of a Shalabhanjika, okay. So actually one of the image given into your book. एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है दैट इज स्विंगिंग ऑन द एज ऑफ द गेटवे. तो पहले जब हिस्टोरियंस ने इसको डिस्कवर किया उनको समझ में यार ये नहीं आया कि इसका जो इस्तेमाल क्या है, ठीक है, क्यों इस ब्यूटीफुल वुमेन को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है. देन दे एक्चुअली ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स एंड फिर उनको ऐसी स्टोरी पता चलती है कि ये ब्यूटीफुल वुमेन एक ऐसी मैजिकल लेडी थी, मतलब जिसका सुपर नेचुरल पावर थी कि किसी भी पेड़ को जब टच कर देती थी ना तो वो फूल और फल से भर जाता था. ऐसा मानना है कि ये जो है वो गौतम बुद्ध की ही माँ थी. सो फॉस्टर मदर थी, नॉट अ माँ, फॉस्टर मदर. डिपेक्टेड वर्क ऑफ एनिमल्स, ठीक है भाई. अब हमें स्कल्पचर मिलते हैं पॉपुलर ट्रेडिशंस की हम बात कर रहे हैं, तो कई सारे स्कल्पचर में एनिमल्स डिपिक्ट किए गए, तो एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी एंड कैटल. सो देयर इज वन मोर कार्टून गिवन इन योर बुक जिसमें बीच में एक गॉडेस बैठी हुई है एंड दोनों तरफ से हाथी जो है वो ऐसे शार कर रहे होंगे. दोनों तरफ से हाथी जो है वो अभिषेक कर रहे होंगे और कंक्रीकेशन कर रहे हैं. जो दो हाथी है वो उन लॉर्ड का और उस गॉडेस का जो है वो अभिषेक कर रहे हैं एज वेल एज बाकी एनिमल्स भी प्रेजेंट है जैसे कि मंकी एंड कैटल. नेक्स्ट वन इज सांची स्तूपा वर लाइवली सीन्स ऑफ अ जातक. ओके, सो सांची स्तूपा जो मिलते हैं हमें उसमें अगर स्कल्पचर देखेंगे, उसकी जो वॉल्स देखेंगे वो एक्चुअली में लाइव सीन है जातक की स्टोरीज के, उनको डिपिक्ट किया गया है उसमें. जेम्स फर्गसन ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट वॉज की जो सांची है एक्चुअली इट्स अ सेंटर ऑफ अ ट्री एंड सर्पेंट. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी महायना एंड हीनायना. सो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. इन बुद्धिज्म देयर आर एक्चुअली टू सेक्ट. इन इस्लाम ऑल्सो वी आर हैविंग टू सेक्ट. देयर इज अ डिफरेंस इन बिलीफ. दे बोथ फॉलो इस्लाम लाइक शिया एंड सुन्नी बट देयर इज डिफरेंस इन एक्सेप्टिंग द आइडियाज एज वेल एज महायना एंड हीनायना. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ हम, लेकिन वो सारा हमें डिस्क्रिप्शन इससे मिल जाएगा तो वो हम पहले देख लेते हैं. देन वी विल सी दिस.
चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज इन फर्स्ट सेंचुरी आते आते जो है बुद्धिस्ट आइडियाज में बदलाव आने लगे. इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट्स टू अटेन निब्बन. अब ये बोला जाने लगा कि निब्बन अटेन करने के लिए जो है आपको सेल्फ एफर्ट जो है वो लगाना होगा. देखिए निब्बन का मतलब समझते हैं आप और हम. जैसे कि मृत्यु के बाद मर जाते हैं हम तो हमारा रीबर्थ होता है. ठीक है, ऐसा जनरल बिलीफ है कि हर इंसान का जो है रीबर्थ होता है. बट जो निब्बन अटेंड कर लेते हैं वो बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल से दूर हो जाते हैं. एक्चुअली उनको मोक्ष मिल गया. ठीक है, वो अब लिबरेट हो चुके हैं, वो इस धरती से जा चुके हैं, आत्मा भी उनकी चल. इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट्स टू अटेन निब्बन. अब इसमें जो है हम महायान की बात कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन जो है वो इमर्ज हुआ था. तो इसमें जो है ये निब्बन को सेल्फ एफर्ट मतलब देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एफर्ट अगर आपको निब्बन अटेंड करना है. अल्टीमेटली मतलब ये है कि जैसे आम व्यक्ति अगर मरता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है. बट इन टू दिस देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अ पुनर्जन्म. दे बिलीव दैट कि निब्बन अटेंड अगर किसी ने कर लिया तो जो कर्म है जो कर्म के साथ जो हमारी बर्थ एंड रिबर्थ की साइकिल है ना वो खत्म हो जाएगी. यानी कि एक बार आप आजाद हो गए मोक्ष मिल गया नाउ यू वॉन्ट बी हैविंग एनी रिबर्थ. वर्शिप ऑफ इमेज एंड बोधिसत्तास. सो महायाना जो है वो इमेज की वर्शिप करते हैं एज वेल एज बोधिसत्ता में बिलीव करते हैं. बोधिसत्ता से मतलब ये है ऐसे लोग जो हमने ज्ञान पाया है ना इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग निब्बन. क्योंकि निब्बन अटेंड करने से क्या हो रहा है, निब्बन अटेंड करने से जो आपने ज्ञान हासिल किया है आप उसका इस्तेमाल करके इस धरती से गायब हो जाएंगी. निब्बन इज दिस इज व्हाट इज निब्बन. बट दे बिलीव एक्चुअली बोधिसत्ता से इनका मतलब है कि अगर आपके पास जो ज्ञान है उसको लोगों को दो. ठीक है, सो इट्स लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर्स. सो दे रीड डिफरेंट बुक्स, भगवद्गीता महाभारत पढ़ी है, अब वो पढ़ ले उनको शेयर करने की क्या जरूरत है. लेकिन वो शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी जिंदगी सुधरती है. सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्ता. देन न्यू स्टाइल ऑफ थिंकिंग वॉज महायाना. अब देखिए ये न्यू स्टाइल थी, न्यू ट्रेडिशन इमर्ज हुआ था महायाना. दिस इज नोन एज अ ग्रेटर व्हीकल, वेयर इज हीनायाना इज एक्चुअली द लेसर व्हीकल और द ओल्ड सेक्ट और द ओल्ड बिलीफ. दोज यू बिलीव कि महात्मा बुद्ध ने जो अटेंड किया है, ठीक है, महात्मा बुद्ध एक्चुअली अगर वो निब्बन अटेंड कर सकते तो कोई भी कर सकता है. हीनायाना वी नीड टू रिमेम्बर दैट दीज पीपल बिलीव कि पहले बात तो इसको लेसर व्हीकल बोलते हैं, ये पहला बिलीफ है जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, बाद में चेंजेस आके महायाना बन जाता है. तो जो हीनायाना है इनका मानना ये है कि अगर लॉर्ड बुद्धा लिबरेशन अटेंड कर सकते हैं, निब्बन अटेंड कर सकते हैं तो फिर जो है वो कोई भी कर सकता है. वेयर एज महायाना में ये बिलीव किया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा इज एक्चुअली लॉर्ड, तो भगवान ये कर सकते इंसान भी कर सकते. ये दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन पीपल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ग्रोथ ऑफ अ पौराणिक हिंदुइज्म. ऑलराइट, सॉरी फॉर दिस आर्ट, इट्स माय आर्ट. ओके, वैष्णविज्म एंड इनकार्नेशन ऑफ विष्णु. अलग अलग तरह के जो है पौराणिक हिंदुइज्म इमर्ज हो रहे थे, ग्रोथ बढ़ रही थी. ऑलरेडी वर देयर बट ग्रोथ बढ़ रही थी. जैसे कि वैष्णविज्म बढ़ रहा था और यू कैन से विष्णु जी जो है उनकी पूजा बढ़ रही थी. डाइटी उनकी काफी ज्यादा फेमस थी उस दौरान. एंड उस वक्त जो है इनकार्नेशन ऑफ विष्णु की बात होती है. इट इज बिलीव दैट कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं. ठीक है, तो जिनमें आता है नरसिम्हा, जिनमें आते हैं भगवान राम कृष्ण, और जो लास्ट अवतार है ना उनका, मतलब हर धर्म में इनके बारे में मेंशन किया है, बुद्धिज्म ने भी मेंशन किया है. तो अगर हम बात करें इसकी विष्णु की, मतलब भगवान विष्णु की, तो इनका जो लास्ट इनकार्नेशन है दैट इज बिलीव ये कल्कि होगा. कल्कि जो कि इस कलयुग में ही ये जन्म लेंगे एंड जब कलयुग में पाप भयंकर वाले बढ़ जाएंगे तब जाके जो है कल्कि का जन्म होगा और उद्धार किया जाएगा और कलयुग की फिर समाप्ति हो जाएगी. लास्ट इज शिव वॉज सिम्बलाइज बाय लिंग. ओके, सो नॉट इट्स नॉट अ लिंक, इट्स एक्चुअली लिंग. शिव, भगवान शिव के भी अलग अलग फॉर्म्स थे, ये भी काफी फेमस थे क्योंकि हम इसके बारे में जो है चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, भक्ति सूफियन ट्रेडिशन. शिव वॉज एक्चुअली सिंबलाइज बाय लिंग. ठीक है, सो लिंग इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन, यू कैन सी हियर. कई मंदिरों में यही रखे रहते हैं, इनको भगवान शिव की तरह पूजा जाता है. सो इट्स ऑल्सो द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा.
Then we see building temples. As I told you that temples उतने बड़े नहीं होते थे जितने कि आज होते हैं. वे सिंपल सा फीचर देखो, स्मॉल स्क्वायर रूम है जिसको गर्भगृह बोलते हैं. देन वी सी दैट कि अ टॉल स्ट्रक्चर बाद में जो है ट्रेडिशन शुरू हुआ. पहले एक स्मॉल रूम था, फिर बाद में टॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, बड़ा सा यहाँ पे बनाया जाएगा. एंड इट इज नोन एज चिकारा. मेरी ड्रॉइंग पे मत जाना, आई नो दैट इट्स टू गुड, बट वो मत देखो, कंसेप्ट देखो. तो यहाँ पे टॉल स्ट्रक्चर बनाया गया, एंड टॉल स्ट्रक्चर को बोला गया चिकारा. Then we see walls decorated with sculptures, many wall sculptures and huge walls जो है शामिल थी, gateway शामिल थे. मतलब elaboration हो जाता है धीरे धीरे करके मंदिरों का. अब देखिए दो टॉपिक है जो मैंने यहाँ लिख नहीं पा रही थी, तो यहाँ लिख दिए. Can we see everything? No. कई सारी ऐसी चीजें हमें मिली है, कई सारी यूरोपियंस हिस्टोरियंस को आर्कियोलॉजिस्ट्स को चीजें मिली है कि यार वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है. फॉर इंस्टेंस यू कैन से दैट कि आपने सर्पेंट देखा है, लॉर्ड विष्णु का ही है, एक लॉर्ड विष्णु की ये एक्चुअली सवारी है. तो सर्पेंट जो है वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर और इस तरह का स्कल्पचर जो है वॉल्स में डिपिक्ट किया हुआ मिला. तो जब यूरोपियंस और ग्रीक गए वहां पे तो वो डर गए, उनको समझ भी नहीं आया यार कि ये हो क्या रहा है, किस तरह के स्कल्पचर है, इनका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, दे डोंट नो अबाउट इट. सो वी कैन नॉट सी एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मिस विथ दिस. If text and images do not match, कई बार ऐसा हुआ करता था कि जो हम जातक की बात कर रहे हैं और जो कहानी डिपिक्ट की गई है दोनों ही अलग है, तो प्रॉब्लम हो जाती थी इसको डिस्कवर करने में कि एक्चुअली में क्या हुआ होगा. सो गाइज एक्चुअली आई हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर हियर एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड. इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. अगर किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप वो भी मुझे बता दीजिएगा. आई बी प्रोवाइडिंग नोट्स फॉर इट एंड प्रोबेबली मैं जो है आपका कॉमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी नोट्स का, तो आप वो नोट्स रेफर कर सकते हो. आई एम प्रिपेयरिंग फ्लो चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट. Till the time, hit the like button, share this video, and yes, as I said in the beginning of this video that I'm gonna start crash course for class 12 history and political science. So, if you're interested, just contact me at the number given in description box. Here we are ending. We will be meeting into our next video. Thanks for watching this.